हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव विद मीनाक्षी। देखिए मैंने जैकेट बनाई है, ये देखिए आपको दिखाती हूँ दूर से। ये देखिए कितनी सुंदर जैकेट है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये पूरी है जैकेट, यहाँ पे मैंने बटन बनाए हैं क्रोशे से। इनको यहाँ पर ये जो किनारी है ये क्रोशे से बनाई है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये हाफ स्लीव का जैकेट है, ये कॉलर भी है इसके संग। ये देखिए कितनी सुंदर जैकेट है। और ये यहाँ से अटैच है, और ये जो किनारी है ये पूरी इस तरह से बन के आ रही है। ये हमारा कॉलर है। और ये देखिए बैक साइड भी आपको बहुत अच्छा लगेगा डिज़ाइन। ये देखिए कितनी सुंदर है। आपको ये जैकेट पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। हम 3 से 4 साल के बच्चे का जैकेट बना रहे हैं, उसके लिए देखिए हमने 78 चैन ले ली हैं। आप अपने नॉर्मली जो 3 से 4 साल के बच्चे का साइज होता है, जो वेस्ट का साइज होता है, वो 56 से लेके 58 तक होता है। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है तो आप चेन कम ले लीजिए, हेल्दी है तो आप ज़्यादा ले लीजिए। आप कम या ज़्यादा चेन को कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 78 चैन ली हैं। देखिए यहाँ पर अब हम 1 चैन बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 चैन बनाई, अब 2 स्कीप करेंगे। 1 2, ये देखिए 1 2 2 स्कीप करा, फिर सिंगल क्रोशिया। 1 2 2 चैन बनाई, अब 2 स्कीप करेंगे। 1 2 2 स्कीप करा, सिंगल क्रोशिया। 1 2 2 चैन, 1 2 2 स्कीप करा, सिंगल क्रोशिया। 1 2 2 चैन बनाई, अब 1 2 2 स्कीप करा, सिंगल क्रोशिया। 1 2 2 चैन, 1 2 2 स्कीप करा, सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 2 चैन बनाई, 1 2 2 स्कीप करा, सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए हम पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। लाइन में कंप्लीट कर लिया है, अब हम अपने थर्ड वाली लाइन, सेकंड वाली लाइन में जाएंगे। चैन के बाद मेरी फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन में जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा सिंगल क्रोशिया है, तो 1 2 3 3 चैन बना ली। अब हमने यहाँ पर इसी में ही 1 2 2 डबल क्रोशिया और बनाए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा सर गैप जो दिख रहा है इसको छोड़ेंगे, और जो सिंगल क्रोशिया है इसी में ही, ये देखिए सिंगल क्रोशिया दिख रहा है, इसी में ही हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 हो गए। और देखिए यहाँ पर फिर से ये दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया है, इसी में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिए। 1 2 3 3 हो गए। फिर से देखिए इसी में 3 डबल क्रोशिए। 1 2 3, अब इसमें 1 2 3, ये देखिए इस तरह से हर उसमें 3 3 डबल क्रोशिया बनते जाएंगे। फिर ये सिंगल क्रोशिया इस वाले में, यहाँ 1 2
टू थ्री, फिर से वन टू थ्री, ये देखिए इस तरह से पूरे राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे, अब हमारा दूसरा, ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर वन टू टू चैन बनाई। अब देखिए जो हमारा बीच वाला जो होगा, हमें ऐसे बैक पोस्ट लेके सिंगल क्रोशिया बनाना है। वन टू टू चैन बनाई, फिर जो हमारे ये थर्ड है ये देखिए, और इसका जो बीच वाला है इसको बैक पोस्ट लेके फिर से सिंगल क्रोशिया, टू चैन, फिर से देखिए इसका इनका हमें बैक पोस्ट कैसे लेना है, ऐसे और ऐसे सिंगल क्रोशिया, टू चैन, ये इस तरह से आते रहेंगे हमारे। टू चैन हो गई और फिर से हम बैक पोस्ट लेंगे उसका, वन टू टू चैन हो गई, फिर से इसका बैक पोस्ट, वन टू टू चैन हो गई, फिर से बैक पोस्ट लेंगे, वन टू टू चैन हो गई, फिर से इसका बैक पोस्ट लेंगे, वन टू टू चैन, फिर से इसका बैक पोस्ट लेंगे, वन टू टू चैन हो गई, फिर से बैक पोस्ट लेंगे। इस तरह से देखिए हमारा ये बनता जाएगा, ये इस तरह से हमारे ये बनते जाएंगे। ये जो दिख रहे हैं ये हम पूरे राउंड में कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा ये जो डिज़ाइन है ये बन गया है। ये वाले ये जो हमने बनाए थे ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वाले कलर में जाते हैं। अब हम अपना वाइट वाला कलर लगाएंगे। अब हम अपना वाइट वाला कलर लगा रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़ा नॉट लगा लेते हैं। ये देखिए नॉट लगा ली। अब इसे इसको स्ट्रच करेंगे। अब वन टू थ्री, थ्री चैन बनाई। अब ये जो हमारा सिंगल क्रोशिए जो बनाए थे हमने, इसी के ऊपर हमें थ्री थ्री डबल क्रोशिए बनाने हैं। अब ये फिर से यहाँ पर देखो, देखिए यहाँ गैप है, यहाँ गैप है टू टू चैन का। यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था हमें इसके ऊपर बनाना है। थ्री थ्री डबल क्रोशिया बनते जाएंगे हर एक उसमें। फिर से इसमें आएंगे इधर, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ये देखिए इस तरह से। फिर से वन टू थ्री, वन टू थ्री, फिर से इधर इसी वाले में जाएंगे, वन टू थ्री। ये देखिए ये हमारा ये जो सिंगल सिंगल क्रोशिए थे जो हमने बैक पोस्ट लेके सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर ये बने हैं।
वन टू थ्री, फिर से वन टू थ्री, इस तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम वाइट वाले के नेक्स्ट राउंड में आएंगे। वन चैन बनाई और ये देखिए जो हमारा जो बीच वाला है इसका बैक पोस्ट करेंगे, चैन बनाएंगे, वन टू टू चैन बनाई, फिर से इसका बैक पोस्ट बनाएंगे, वन टू टू चैन, फिर से बैक पोस्ट टू, फिर से टू स्कीप, या तो आप वन टू टू स्कीप कीजिए या फिर आप इसे ऐसे देख के यहाँ पर बीच वाले का ही बैक पोस्ट बनाइए इस तरह से, वन टू वन टू। ये देखिए इस तरह से ये हम पूरे राउंड में कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। इसमें ये जो हमने बनाए थे ये देखिए ये वाले ये हमारे बन गए हैं। अब हम अपना नेक्स्ट वाला यही वाली ऊन लेते हैं, हम दो ही कलर में बनाएंगे, वन टू थ्री, थ्री चैन बनाई, इसको स्ट्रेच कर देंगे। अभी आज हमारा जो सिंगल क्रोशिया है यहीं पर हमें थ्री डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये यहाँ टू थ्री, अब यहाँ पर वन टू थ्री, फिर से यहाँ पर वन टू थ्री। ये देखिए इस तरह से बनते जाएंगे जैसा हमने ये वाला बनाया था ये, फिर इसके बाद ये ऐसे ही ये बनेगा। वन टू थ्री, वन टू थ्री, फिर से यहाँ पर वन टू थ्री, वन टू थ्री। ये देखिए इस तरह से हमारे बनते जाएंगे। इसके बाद हमने जो सिंगल क्रोशिया टू चैन सिंगल क्रोशिया ये वाली जो बनाई थी हमने ये, इसके बाद ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, फिर वाइट वाला बनेगा, वाइट वाले के बाद फिर ये वाले बनेंगे, ये वाले ये जो हैं ये। इसी तरह से हम अपना पैटर्न बनाते जाएंगे, ब्लू वाइट ब्लू वाइट। इस फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि फिर हमें कितना बड़ा बनाना है। ये देखिए ये हमने हमारा ये इतना बन गया है। मैं आपको इंच, ये हमारा फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है, मैं आपको इंच टेप से नाप के बताती हूँ कि हमारा कितना बन गया है। ये देखिए यहाँ से ये हमारा 14 इंच बन गया है। ये हमारी लेंथ है, लेंथ में 14 इंच है और ये जो लंबाई में है यहाँ से ये देखिए
11 इंच है, ये चौड़ाई में 11 इंच है और जो हमारा लेंथ है वो 14 इंच है। अब हम इसका आगे बताएंगे। यहाँ पर ही देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया इतना, ठीक है। और अभी जो हमारा ये वाला ऊन है इसको हम काट देंगे, यहाँ से इसे हम काट देंगे। अब हम यहाँ पर चैन बनाते हैं। हमें चैन इतनी बनानी है कि जो चैन है, चैन यहाँ तक, इस तरह इतनी यहाँ तक, ये देखिए। अब हम यहाँ से इस वाइट वाले को काट देंगे और यहाँ से ये इस ब्लू वाले को भी हम काट देंगे। हमने यहाँ से ब्लू वाले को काट दिया है। अब यहाँ पर हम अपना, अब हम यहाँ से चैन बनाएंगे अलग से। अब हम यहाँ से वाइट वाले से चैन बनाते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, हम इतनी चैन बनानी है कि जो हमारी ये जो लेंथ है ये यहाँ से लेके इस तरह से पूरी यहाँ तक की लेंथ आएगी। इतनी लंबी हमें चैन बनानी है, फिर मैं बताती हूँ आप। ये देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है, यहाँ पर ये हमने इतनी लंबी चैन बनाई है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से हमें यहाँ तक चैन बनानी है। देखिए यहाँ से ये नापिए, इधर मैंने स्ट्रेच नहीं किया है, इतने पर थोड़ा सा और बनाना है। हमने यहाँ पर 70 चैन बनाई हैं, 71 72 73 74 75 76, आप फिर से नाप लेते हैं, 76 चैन हो गई। यहाँ से यहाँ से इतना आराम से नापना है। देखिए 76 चैन हो गई, ये हमने 76 चैन बना ली। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पर हम इसे इधर जॉइंट करेंगे, इसे अटैच कर दिया। और यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर इधर बनाई, हम जो चैन बनाते थे वो इधर बनाते थे इस तरह से, तो हम इसे, ये हमारा बैक साइड है तो हम बैक साइड से इसे अटैच करेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए हमारा वही बीच वाला ये है, इसमें फिर टू चैन, फिर नेक्स्ट इसको वन टू टू चैन, फिर नेक्स्ट वन टू टू चैन, वन टू, फिर से ये हमारा यही वही बन रहा है। इस पूरे को कंप्लीट कर लेंगे और फिर से यहाँ इस दूसरी साइड भी हम 76 चैन बना लेते हैं। जैसे हमने ये 76 चैन बनाई है, इधर भी इसके बाद बनाने के बाद हम 76 चैन बनाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पर भी लाइन बना दी है और ये पूरी यहाँ इस, ये देखिए यहाँ से इसके बराबर आ रही है और ये दूसरी साइड भी मैंने चैन बना दी है, ये देखिए। अब हम यहाँ पर ये देखिए हमारा ब्लू वाला कलर चालू होगा। ये हमने हमारा ये रहा ब्लू कलर, हमने यहाँ से अपना ब्लू वाला कलर लगाते हैं। वन टू थ्री ब्लू कलर ले लिया। यहाँ इसी वाले में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको हम स्ट्रेच कर लेंगे वाइट वाले को।
वन टू टू स्कीप करके वन टू थ्री, यहाँ पर देखिए हमने थ्री चैन बनाई थी, फिर टू डबल क्रोशिए इधर और फिर टू चैन स्कीप करके फिर थ्री डबल क्रोशिए बनाए, अब वन टू टू स्कीप करके फिर से थ्री डबल क्रोशिए बनाएंगे, वन टू थ्री, फिर से वन टू टू स्कीप करके थर्ड वाले में फिर से वन टू थ्री, फिर से वन टू टू स्कीप करके थर्ड वाले में थ्री डबल क्रोशिए, वन टू थ्री, इस तरह से हम अब इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे और फिर हमारे ये आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर फिर अपने वही बनाने हैं फिर, जिस तरह से हम इन लूप में बनाते थे इसी तरह से इस लूप में बनाना है। तो हम इस तरह से बनाते हुए इस चैन में भी थ्री थ्री डबल क्रोशिए बनाएंगे, टू स्किप करके। मैं पहले यहाँ तक कंप्लीट करके बताती हूँ आपको, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ अब ये इधर ये जो हमारे हमने जो बनाए थे सिंगल क्रोशिया टू चैन सिंगल क्रोशिया इस तरह से, अब हम इसमें ही अपने वैसे ही बनाएंगे जैसे बना रहे थे थ्री थ्री डबल क्रोशिए। थ्री थ्री डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से थ्री डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे और फिर यहाँ पर इस वाली चैन में थ्री डबल क्रोशिया फिर टू चैन स्किप करेंगे, फिर थ्री डबल क्रोशिया फिर टू चैन स्किप करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। और फिर हमें यही अपने ये वाले लूप बनाने हैं, ये जो हैं ये वाले। तो पहले मैं इस लाइन को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने ये पूरा दोनों इस साइड ये इस तरह से ये पट्टी हमने बना ली है, ये हमारा इस तरह से पट्टी बनी है और ये पट्टियाँ फिर हम इसे इस तरह से लगाएंगे। ये जहाँ पर ये हमने इस तरह से फोल्ड करा है ये इस तरह से आएगी। अब हमारा नेक्स्ट वही है जैसा हम यहाँ पर बनाते थे, वन चैन बना ली पहले हमने और ये हमारा बीच वाला निकाला सिंगल क्रोशिया टू चैन, फिर वही सिंगल क्रोशिया टू चैन, फिर वही सिंगल क्रोशिया टू चैन, फिर वही सिंगल क्रोशिया, फिर वही सिंगल क्रोशिया टू चैन सिंगल क्रोशिया टू चैन हो गया। ये देखिए ये हमारा ये जो हमने बनाए हैं इसी तरह से हम बनाते हुए यहाँ पर सारे में बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे और फिर यहाँ तक हम इसको बनाएंगे और फिर वही हमारा वाइट कलर यूज़ हो जाएगा। इस तरह से जो हम बनाते थे थ्री डबल क्रोशिया बनाते थे हर एक उसमें, इसी तरह से यही पैटर्न बनेगा। तो हम अपना पैटर्न बनाते हैं। जो हम जैकेट बना रहे हैं ये उसका पैटर्न है, ये हमने सेंटीमीटर में काटा है, जैकेट हमारी इंचेस में है। ये हमारा आप मान लीजिए हमारी जैकेट का पैटर्न है, ये हमारा हमने 12 इंच लिया है और ये हमने इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ये 14 इंच हमने बना लिया है। और यहाँ पर ये देखिए ये जो हमारी पट्टी है हम इसे यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, हमें यहाँ पर अपना इतना पैटर्न बनाने के बाद हमने जो चैन बनाई थी
हमने यहाँ से चैन बना के फिर यहाँ पर अटैच किया था, फिर इसको यहाँ पर अटैच करते हुए फिर हम यहाँ पर चैन लेके गए थे। फिर ये जो हमारा जो ये इतना पैटर्न बनेगा ये हमारा इसके हिसाब से बनेगा, जो हम इसको रखेंगे इस तरह से। आप जितने मर्जी बड़े बच्चे की जैकेट बनाइए, जब हम इन दोनों को इस तरह से फोल्ड करेंगे तब ये इसका साइज बिल्कुल इस तरह से बराबर आएगा, यहाँ पर इतना आएगा और यहाँ पर इतना आएगा। अगर हमें इसको हाफ करेंगे, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली, ये देखिए इस तरह से आएगा। और यहाँ पर हम इसे कॉलर में मोड़ेंगे, मैं आपको भी कॉलर मोड़कर दिखाऊंगी, जो अपने कप अपनी वूल का अपने उस पैटर्न का इस तरह से मोड़ेंगे, ये हमारा इस तरह से कॉलर मुड़ेगा। ये यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह से हमारा कॉलर मुड़ेगा। ये कागज़ है इसलिए ये इस तरह से लग रहा है, इसलिए इस तरह से बन नहीं पा रहा है। और वूल में और कपड़े में आसानी से कॉलर बन जाता है। ये हमारा इस तरह से पैटर्न बनेगा, ये हमारा इधर कॉलर बन जाएगा। और यहाँ पर हम अपना फिर बाद में पट्टी सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम पट्टी बनाएंगे, तो इस तरह से हमारा इस तरह से पट्टी जाएगी हमारी। और यहाँ पर हम अपना स्लीव का छोड़कर यहाँ से सिलाई कर देंगे, यहाँ से स्लीव का छोड़कर यहाँ से सिलाई कर देंगे और फिर अपनी बाजू में बना देंगे। ये हमारी जैकेट का इस तरह से पैटर्न है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको तब भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी जैकेट का पैटर्न इसी हिसाब से है हमारा, जो इस तरह से ही बनेगा। ये हमारा कॉलर इस तरह से मुड़ गया था। हम पहले यहाँ से चैन बनाएंगे, उसे इतना बड़ा करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से फिर हम उनको कट कर देंगे और फिर यहाँ से और चैन बनाते हुए हमें चैन भी इतनी बनानी है कि देखिए जहाँ यहाँ पर हमने इतना बनाया चैन भी, हम जहाँ पर चैन बनाएंगे चैन भी इतनी बनानी है कि जो यहाँ तक आए, इतनी ही चैन बनानी है जो हमारा इतना यानी कि 14 इंच आए। जब हम अपना कॉलर मोड़ देंगे तो ये हमारा 14 इंच बैठेगा, 15 इंच बढ़ जाएगा, एक आध इंच का कम ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से हम अपना बनाएंगे। तो चलिए फिर हम अपना जैकेट आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर इतना चौड़ी पट्टी बनाई है, ये देखिए ये हम इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखिए ये हमारा यहाँ से दोनों मिलाकर और ये इस तरह से आएगा। ये देखिए ये हमने यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से मिलाया और यहाँ पर इसको इस तरह से नीचे करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसका कॉलर बनेगा। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से जैकेट आएगी। मैं आपको फिर बाद में दिखाऊंगी पूरा अच्छे से। और फिर यहाँ पर ये देखिए हमने इसको इसे यहाँ से बिल्कुल लगा के यहाँ से हम इसकी बाजू निकालेंगे और बाकी से सी लेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है तो हमें उल्टा साइड करना है। और यहाँ पर ये देखिए इतना हमें इतना बाजू निकालनी है। तो ये हमारी है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 करके इतना निकालना है। तो हम पहले यहाँ पर इसे इतना सी ले, इसे उल्टा कर लेते हैं, दोनों साइड सीलना है। ये इतना इस तरह से, ये देखिए।